वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। इस वीडियो को देखिए दोस्तों। समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर उतर आया है। वो सड़क पर उतर आया है क्योंकि उसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में बड़ी चोरी करने जा रही है 10 मार्च को। अखिलेश यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता में ऊर्जा भर दी है। कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने दो आरोप लगाए दोस्तों। वो दो आरोप क्या थे? पहला आरोप कि चीफ सेक्रेटरी बाकायदा स्थानीय मुलाजिमों डीएम्स को फोन कर करके बोल रहे हैं कि जिन सीट्स पर करीबी मुकाबला होगा उसे लंबा खींचना, ताकि बाद में भारतीय जनता पार्टी उसमें खेल कर सके। और यही नहीं दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार वीडियोस ऐसे सामने आए जिसमें ईवीएम मशीन्स खुले में घूम रही थी, खुले में टहल रही थी। प्रशासन उस पर अपना तर्क दे रहा है जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, मगर सबसे पहले अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं आपको वो हिस्सा सुनाना चाहता हूं जिसमें अखिलेश यह आरोप लगा रहे हैं कि यह लोकतंत्र के अंतर्गत आखिरी चुनाव हो सकता है और हमें आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। अखिलेश यादव कह क्या रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी, कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। मैं किसी डीएम का इसलिए नहीं मानूंगा, डीएम कौन होता है? अगर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री फोन करेगा, डीएम क्या कर सकता है? डीएम की क्या हैसियत है? ये फिर जो प्रत्याशी लड़ने रहे थे उनको आखिरकार डीएम ने क्यों नहीं बताया? डीएम अगर ये जवाब दे रहा है तो उस डीएम से पूछिए कि डीएम ये बताओ कि तुमने जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उसके बारे में क्यों नहीं बताया उन प्रत्याशियों को? ये डीएम आखिरकार किसके नीचे काम कर रहे हैं? और बनारस जैसी पोस्टिंग किसी डीएम को मिली होगी, इस डीएम को मैं भी जानता हूं। जब पहली पोस्टिंग मैंने मुजफ्फरनगर दी थी, मैं नहीं जानता हूं डीएम कौन है, किसकी सिफारिश पे ये मुजफ्फरनगर पहली बार गया था। बेईमानी करा रहा है ये डीएम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अखिलेश यादव आरोप ये लगा रहे हैं कि बाकायदा डीएम्स को यह फरमान दिया जा चुका है कि रिजल्ट्स में धांधली करनी है, और उसके लिए मैं आपको एक एक करके वीडियो दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद हैं और बनारस के अंदर ऐसे खुले में ईवीएम मशीन्स मिल रही हैं, खुले में ऐसी ईवीएम मशीन्स मिल रही हैं। आप जानते हैं ईवीएम मशीन्स को लेकर किस तरह के नियम कानून हैं? मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों कि ईवीएम्स को लेकर दरअसल नियम कानून क्या हैं। आपके स्क्रीन्स पर चुनाव आयोग के अपने नियम कानून क्या कहते हैं, अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहूंगा, फिर उसका हिंदी में तर्जुमा करूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज शुड नेसेसरली बी इनवाइटेड टू विटनेस दिस प्रोसेस फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द वेयर हाउस एंड रीसीलिंग ऑफ द वेयर हाउस एंड टेकिंग आउट ईवीएम्स वी पैक्स फॉर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस द एंटायर प्रोसेस टू बी वीडियोग्राफ्ड। दो बातें कही जा रही हैं दोस्तों। पहली बात कि अगर ट्रेनिंग के लिए भी ईवीएम्स को बाहर निकाला जाएगा तो उसकी वीडियोग्राफी होगी, नंबर एक। नंबर दो, तमाम जो चुनाव में शामिल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें बताया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग ने ऐसा किया? मैं आपको बतलाना चाहता हूं, डीएम बनारस जिन पर लगातार हमला अखिलेश यादव कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ईवीएम मशीन है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं, जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हुए हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे, घंटे पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में
डेमो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा। मान लिया, मैं आपको चुनाव आयोग का दिशा निर्देश पढ़ के सुना चुका हूं। पहला प्रश्न, क्या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात की जानकारी दी गई थी कि ट्रेनिंग के लिए ईवीएम मशीन्स बाहर ले जाई जा रही हैं? और यही नहीं दोस्तों, अब मैं आपको सुनवाना चाहता हूं बनारस के कमिश्नर क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमसे भूल हुई, प्रोटोकॉल को हमने फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया, यही तो बड़ा सवाल है। सुनिए कमिश्नर साहब क्या कह रहे हैं। प्रेक्षक तो सर ये आपके सामने प्रेक्षक है, पीछे सारे प्रेक्षक बैठे हैं। सही प्रोसेस में क्या, सारे प्रेक्षक। अच्छा नियम क्या सर, मैंने जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट था, उसमें त्रुटि हुई। ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसको मैं रिपोर्ट। आपके स्क्रीन्स पर एक बार फिर मैं आपको चुनाव आयोग के दिशा निर्देश बता रहा हूं कि ईवीएम मशीन्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा तो इसकी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएगी, उसकी वीडियोग्राफी होगी, चाहे ईवीएम ट्रेनिंग के लिए ही क्यों ना हो, प्रशिक्षण के लिए क्यों ना हो, जैसा दावा डीएम बनारस कर रहे हैं। मगर आपको एक सवाल पूछना पड़ेगा। मैं प्रशासन के तर्क को मानने को तैयार हूं, मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन्स पर यह है सोनभद्र की तस्वीरें, खुले में जो है पर्चियां मिल रही हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इस कदर क्यों गिर गई है, क्योंकि आज की तारीख में चुनाव आयोग में जो मुलाजिम बैठे हुए हैं वो सरकारी अधिकारी कम, ऑटोनमस ऑफिशियल्स कम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। इसलिए लगातार समाजवादी पार्टी उग्र हो रही है। आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इस चीज को लेकर भी बौखलाई गई है कि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें उसे हारा हुआ दिखाया जा रहा है। मैं आपसे बाद में जाकर यह भी बात करूंगा कि कम से कम दो एजेंसीज ने समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से हारा हुआ और बीजेपी को 300 सीटें दी हैं, उसके बारे में मेरी क्या राय है अंत में जाके बताऊंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आएंगी तो जाहिर सी बात है लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं रहेगा। अब देखिए दोस्तों, एक सरकारी मुलाजिम जो है वो शायद ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें रोक लेते हैं कि आप गाड़ी में बैठकर अंदर नहीं जा सकते, पैदल जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप गाड़ी में बैठकर अंदर नहीं जा सकते। देखिए वीडियो। सर पैदल चले जाइए आप यहाँ पर, असल में जब से बनारस से कांड हुआ ना ये, तो हमारे जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिए हमें, कोई गाड़ी एक्स्ट्रा अंदर नहीं जाएगी बिल्कुल भी, चाहे किसी की अधिकारी की हो, चाहे निष्पक्ष जनता हो, बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत क्या है दोस्तों कि पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थाएं हैं, उसकी जो धज्जियां उड़ाई हैं, चाहे पुलिस हो, इनकम टैक्स विभाग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, चुनाव आयोग हो और ऑफ कोर्स मीडिया हो, आम जनता जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता वो हर चीज में साजिश दिख रहा है। और हकीकत यह है कि अगर चुनाव आयोग इस तरह की हरकतें कर रहा है, मुझे आप बताइए ना, 2019 में भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी कि कहीं पर भी ईवीएम मशीन्स मिल जाते थे, 2019 में भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी जिसके अंदर हमने अर्ध सुरक्षा बलों को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की नसीहत देते देखा था। और यहां उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या हुआ, यह वीडियो देखिए दोस्तों, मैं कई बार आपको यह वीडियो दिखा चुका हूं। गुजरात से बुलाया गया है 7वें चरण के मतदान के लिए, यह आदमी खुलेआम कह रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जीतने वाले हैं। क्या पुलिसकर्मी को ऐसा बोलना चाहिए? देखिए, खिलाफ होते क्यों, खिलाफ नहीं होते हैं, योगी आएगा, इसे यूपी में योगी आएगा, इसीलिए आए हो आप? हाँ इसलिए आए हैं, योगी आएगा, योगी। अरे तो हूँ बोले करे, योगी आएगा। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ऑफिशियल जो है वो कैमरे के सामने
यूपी भाजपा के एक मंत्री को बधाई दे रहा है कि आप कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं, जीतने वाले हैं, अग्रिम बधाई ले लीजिए। मजाक बना दिया है क्या पुलिस ने? और फिर इसके बाद कि आप ये उम्मीद करते हैं कि बगैर पक्षपात की पुलिस काम करेगी? देखिए, मैं सर आपका थाना अध्यक्ष हूँ, कैबिनेट मंत्री की शुभकामना देते हुए आपका स्पोर्ट करने चल रहा हूँ पहली बार। भगवान मनोकामना। लोगों का विश्वास दोस्तों ऐसे में पूरी प्रक्रिया में खत्म होता जाता है। हमें इन तमाम मुद्दों को संबोधित करना पड़ेगा और हम अपनी आंखों पर पट्टी नहीं डाल सकते हैं। सबसे दुख की बात यह है, कानपुर देहात के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कह रहे हैं कि भाई चुनाव वाले दिन कोई भी गड़बड़ी करेगा हम गोली मार देंगे। मैं पहले समझना चाहता हूं, ये जो गोली मारने की बात आप कह रहे हैं, ये आदेश किसका है? चुनाव आयोग का है, गोली मार देंगे? और जब प्रशासन इस तरह से पक्षपाती है जैसा कि मैं आपको अभी प्रमाण दिखा चुका हूं, ऐसे में गोली किस पर चलाई जाएगी? मैं चाहूंगा कि एसपी कानपुर देहात को आप ये बात सुने, निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप गोली मारने की बात कर रहे हैं जबकि आप पर आरोप है, इस प्रशासन पर आरोप है कि आप पक्षपात करते हैं। क्या इस तरह का बयान देना चाहिए? और ये हिम्मत इनकी कैसी हुई? ये किसकी वजह से इस तरह का बयान दे रहे हैं? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आवश्यकता अनुसार हमारे पास सीपीएमएमपी है और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज अलग से लगी हैं, और कोई अगर इस तरीके की विध्वंसकारी एक्टिविटी करेगा तो देखते ही उसको गोली मारने का आदेश हमारे द्वारा दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब द्वारा और हमारे द्वारा। दिक्कत यह है दोस्तों, जब मैं बार बार पिछले 5 सालों से या कम से कम इस मंच पर पिछले 3-3.5 सालों से आपके सामने लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने की अपील कर रहा हूं, तो उसकी वजह यही है। बाद में अगर प्रक्रिया सुचारू ढंग से चल भी रही होगी तो लोग फिर भी उस पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि आपने उसके खिलाफ इस कदर विश्वास अविश्वास पैदा कर दिया है, इतने डाउट्स पैदा कर दिए हैं कि अब लोग सोचते हैं कि भाई जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों दिक्कत क्या है कि अखिलेश यादव क्यों डरे हुए, मैं आपको एक और बात बताता हूं, क्योंकि उनके सामने मिसाल बिहार की है। तेजस्वी यादव ने कल फिर बयान दिया था कि बिहार के अंदर जिस तरह से लोकतंत्र की चोरी हुई थी, और उनका यह दावा है कि कई सीटें जहां हम जीत गए थे, हमारे प्रत्याशी जीत गए थे, उन्हें हारा हुआ बाद में दिखा दिया गया था सर्टिफिकेट के जरिए, और इसमें भाजपा नीतीश कुमार और प्रशासन की मिलीभगत थी। और सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे, सवाल यहां पर यह है कि खुद कई स्थानीय पत्रकार मुझे बताते हैं कि कम से कम ऐसी 5-10 सीटें थीं जिसमें गड़बड़ झाला हुआ। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। भाजपा जाने वाली है और अखिलेश जो है वो आने वाले हैं, और वही नहीं, गोवा में कांग्रेस की जहां तक हमको लगता सरकार आएगी, उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, पंजाब में हो सकता है कड़ा मुकाबला हो, लेकिन कहीं भी बीजेपी जो है वो नजर जो है आने, और अगर काउंटिंग में थोड़ी जो है सावधानी रखने की जरूरत है, हर एक चीज जो है लोगों को नजर डालने की। बिहार में भी हम लोगों ने काउंटिंग में देखा था कई ऐसे 10-12 सीटें हैं जो आज हमारे विधायक होते वो कोर्ट गए हुए, जहां वोटें जितनी पड़ी उससे ज्यादा वोट निकल करके आ गया, कई जगह घोषणा के बाद भी जो है किसी और को सर्टिफिकेट दे दिया जाता। तो इस तरह की अगर व्यवस्था होगी तो लोगों को वहां नजर डालने की जरूरत है, और हम तो ये कहेंगे जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं हो जाता, लोग जो हैं निश्चिंत जो है एकदम ना हो आखिरी वोट। तेजस्वी की ये चेतावनी खासे मायने रखती है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव बेतहाशा सतर्क हैं। हां मैं मानता हूं उनके जो विरोधी हैं वो कह सकते हैं कि यह हार की बौखलाहट है, क्योंकि एक्सिस पोल से लेकर चाणक्य से लेकर सी वोटर तमाम लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी को हारा हुआ दिखा रहे हैं। आप में से कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई इन एग्जिट पोल्स के बारे में अभिसार आपकी क्या राय है? मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं, 2019 के लोकसभा चुनावों में जिन एजेंसीज ने भाजपा को 300 सीटें बताया हुआ था और बाद में 300 सीटें मिली भी, उनके बारे में भी मैंने यही कहा था कि मैं
इन एजेंसीज पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि जिन एजेंसीज ने भाजपा को 2019 में जीता हुआ दिखाया था उसके बाद उनके तमाम पोल्स गलत साबित हुए थे। इनमें से कुछ एजेंसीज हैं जो भाजपा के लिए कैंडिडेट सिलेक्शन करते हैं, यानी कि कौन सा व्यक्ति किस जगह से चुनाव लड़े उसमें मदद करते हैं, यानी कि साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मगर मैं उससे एक सवाल और, एक कदम और जाके मैं आपसे एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा को 300 सीटें मिल सकती हैं। बिल्कुल मिल सकती है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सफलता तीन मुद्दों पर जो है दावा करती है। पहला, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा, लोगों के जहन में ये डर पैदा कर देना कि हिंदू खतरे में है और अगर समाजवादी पार्टी आ गई तो मुसलमान तुम्हारे सिर पर नाचने लगेगा। और तीसरा, ग्रामीण इलाकों तक अनाज पहुंचाना, मुफ्त अनाज, मुफ्त राशन। ये तीन फैक्टर्स हैं। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाएं तो लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश यादव की सरकार की तुलना में बेहतर है। मगर हमने मायावती का काल भी देखा था जहां पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इन तीनों सरकार में सबसे बेहतरीन था। मगर मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूं। आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ खास जातियों पर अंकुश डाला है, कुछ खास धर्म पर अंकुश डाला, यानी कि मुसलमान धर्म पर और उनसे जुड़े जो असामाजिक तत्व हैं उन पर अंकुश डाला है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आगरा में पुलिस थाने में एक दलित को मार देती है भाई, पीट पीट के। हाथरस में गुड़िया का शव रातों रात जला दिया जाता है। गोरखपुर में पुलिस अंदर घुसकर, एक ठाकुर पुलिस वाला अंदर घुसकर मनीष गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को मार देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उन्नाव, एक लड़की का बलात्कार, उसके पिता की थाने में मौत, फिर पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मारा जाता है। ढेरों मिसालें हैं। किसको मूर्ख बना रहे हैं आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो आपका पूरा प्रोपेगेंडा है, आपने अपनी मीडिया का सहारा लेकर इस प्रचार को, इस प्रपंच को फैलाने का प्रयास किया, और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में पुलिस जो है वो गुनहगार हो चुकी है। CAA के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, आपने करीब 20-21 लोगों को सिर और छाती पे गोली मारी है ऐसा दावा किया जाता है, और न्यूज क्लिक ने भी इस पर एक पड़ताल की थी। कोई आंदोलन कर रहा है तो आप उसके सिर या छाती पे गोली मारेंगे? पुलिस तमाम हदों को पार कर रही है, यह हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे में आप कैसे दावा कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर का? और कई खुद गृह मंत्रालय के तर्क बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आंकड़ों के लिहाज से अखिलेश यादव की तुलना में आदित्यनाथ की सरकार में और बदतर हुआ है। मगर आदित्यनाथ के पक्ष में उनका प्रचार तंत्र है, वो करोड़ों रुपए है जो वो भीख में न्यूज चैनल्स को देते हैं, और इस सब के बावजूद क्या जनता उन्हें 300 सीटों तक पहुंचा सकती है? मेरा जवाब है हां, हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 7 सालों में अपने प्रचार तंत्र के जरिए, प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों के जहन में यह डर बिठा दिया है, जैसे कि मैंने कहा ना कि हिंदू खतरे में है। इसलिए जब बेरोजगार को लाठियां मारी जाएंगी बुरी तरह से, जैसे कि हमने रेलवे भर्ती परीक्षा में देखा, या फिर बेरोजगार जब कैंडल मार्च करने के लिए निकलेंगे आदित्यनाथ के बंगले की तरफ, उन पर लाठियां मारी जाएंगी। किसानों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, बावजूद इसके अगर भाजपा को वोट मिल रहा है तो ये वो प्रोपेगेंडा है जो लोगों के मन में हावी हो गया है। मगर ये सिर्फ उस सवाल का जवाब था। मैं बता दूं कि मैं नहीं जानता हूं कि 10 मार्च को क्या नतीजे आने वाले हैं। मैं इंतजार करना चाहूंगा, सिर्फ 24 घंटे का भी वक्त नहीं रह गया दोस्तों, उससे कम का वक्त रह गया है, यानी कि 10 मार्च को 12 से 1 बजे तक लगभग स्थिति साफ हो जानी चाहिए कि सरकार किसकी आ रही है। हम सब इंतजार करेंगे और इसी मंच पर हम बहुत जबरदस्त कवरेज करने जा रहे हैं। अब इशार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।